वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का। ये किचन है और थैंक्स फॉर ग्लैम गैस स्पॉन्सर्ड। और आज जो है बहुत ही खूबसूरत सा चेहरा मेरे साथ मौजूद है, बहुत टैलेंटेड है। कई सालों से, कई टाइम से माशाल्लाह कुकिंग में अपना नाम बनाया हुआ है, चाहे बेकिंग हो, चाहे इटालियन हो, अरेबिक हो, पाकिस्तानी खाने हो, बेकरी का काम हो, जो भी हो, व्हाटएवर, बहुत ज़बरदस्त सुपर। तो यहाँ पर मौजूद है ज़बरदस्त शेफ, शेफ सदफ गुल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? ठीक वाला। थैंक यू आपका मुझे बुलाने के लिए, इस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा जानी, आज डिश बड़ी जबरदस्त है, यूनिक सी, दो दो जगह गोश्त पर मैं बिग पजल हो रही हूँ। तो डिश का नाम ये आज हमारा सरके वाला गोश्त है और ये अरेबिक डिश है और बहुत कम स्पाइसेस में, आपके घर के स्पाइसेस में ये बन जाएगा। थैंक गॉड, कुटी हुई मिर्चों से जांच। तो यकीन करें वैसे हाथों में इन्फेक्शन और बड़ी प्रॉब्लम, तो थोड़ा सा मिर्चों के बगैर भी क्या हो सकता है, वो भी होना चाहिए। होना चाहिए, क्यों नहीं। अच्छा जी, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हम चलते हैं। ठीक है, डिश का नाम एक बार फिर बता दो। सरके वाला गोश्त। सरके वाला गोश्त और ये डिश है अरबिक। चलें जी, सबसे पहले ये एक्चुअली मैं मीट को जो ना सोक करके लाई थी, तो मैंने खाने के लिए ये इस फॉर्म में था, लेकिन मैंने इसको सिर्फ वाटर डाल के बॉईल किया है, दैट्स इट। और मैंने कोई मसाले नहीं डाले, कोई चीज नहीं डाली। ओके, अच्छा इसको फिर हम हटा देते हैं। हाँ, इसको हटा, उसको वहां रख देते हैं ताकि आपको जरा क्लियर हम मेंशन कर दें। अगेन हम लोग अपनी रेसिपी की जरिए, अब क्या है, ठीक है, ये मैंने बॉईल किया है, सिंपल टाइम थोड़ा बचा। हाँ, हमारे पास टाइम कम था तो इसकी वजह से मैं इसको बॉईल करके लाई हूँ। ये कोकोनट है जो इसके स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है। उठाना नहीं कुछ भी, ठीक। ओके, गोश्त है जी। ओके, इसके अंदर कोकोनट है और ये कोरिएंडर पाउडर है, ठीक है, गरम मसाला पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, ठीक है, और धनिया का पाउडर है, नमक है, काली मिर्च है, दैट्स इट। और ये डेकोरेशन के लिए बहुत कम मसाले, लेकिन बहुत टेस्टी है। धनिया पाउडर, गरम मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर और नमक, और ये कोकोनट, ठीक है। और ये हमारे पास सिरका है जो कि इसको गोश्त है, तो फिर और कम इंग्रेडिएंट में बहुत अच्छा खाना बन जाए यही चाहते हैं, और ऑयल भी बहुत कम यूज होगा। चले जी, हम ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने जो है इसको, हमने इसको फ्लेम पे लगा, पतीला जो है ग्लैम गैस पे रख दिया, क्योंकि ग्लैम गैस की जो वो फ्लेम है वो बहुत हीटनेस प्रोवाइड करती है, बहुत जल्दी जो है वो गर्म हो जाता है और आपके बर्तनों को काला। इसके अंदर हमने ऑयल डाला है, सबसे पहले हम लोगों ने कुकिंग ऑयल डाल दिया, 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर ऑयल डाला। हाँ, बहुत कम, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सॉर है। अच्छा, ये जो आपने ये चीजें रखी है, ये सब डेकोरेशन की, ये अदरक भी ऊपर होगा और इसके अंदर पिसा हुआ अदरक भी डालेगा, जो कि मेरे पास ये रहा। ओके, और ये इसका स्पेशल, अच्छा इसमें लहसुन वगैरह कुछ नहीं डालेगा और आपने नहीं डालना इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, तो आपने लहसुन वगैरह कुछ नहीं डालना, ये सिर्फ अदरक। हाँ, ये सिर्फ अदरक है, इसको अच्छा, बड़ी हल्की सी क्रश, हल्की सी क्रश है, पेस्ट बिल्कुल नहीं बनानी। मैं आपको दिखा देती हूँ, लाइट क्रश है। नहीं नहीं, इट्स ओके। ये देखें जी, ये हमारे पास जस्ट ओनली चॉप्ड हुई अदरक, चॉप कर, और इसमें लहसुन नहीं जाएगा, इसकी स्पेशल यही है। अच्छा, लहसुन का तो फिर अरोमा बहुत फास्ट होता है। हाँ, लेकिन ये लहसुन की जाएगा पूरी इंडिया में अगर डाल दिए, ये देखिए। हाँ, बहुत इजी। चले आप इसको यूज, ठीक है, ऐड कर सकते। ये आपने अदरक इसके अंदर डाला है, ऐड किया है और इसको सौते किया थोड़ी देर के लिए। देखिए ग्लैम गैस की कितनी जादू से गर्म हुए और हीटनेस बहुत फास्ट, बहुत अच्छी हीट है हमारे पास। अच्छा, ये सारे मसाले आपने डालने, ऐड कर दिए जी, सारे मसाले खड़े सीधा एक एक करके डालने थे ना, ताकि वरनी नहीं हुए नाजीन, जरा सा हो जाते हैं और कुछ नहीं। ये देखें, ये मेरे पास जो मीट है ना, यस, ये मैंने इसी तरह डाला है। तो क्विक है, क्विक है। हाँ, ये बिल्कुल क्विक है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने इसको 1-2 सीटी लगा के इसको बिल्कुल गला लिया है, ताकि हमें टाइम ना लगे। आप घर में भी करके रख सकते हैं और फौरन से बना सकते हैं। जबरदस्त, मुझे वो लोग याद आ गए जो लोग, ठीक है, ये कौन से इलाके के लोग हैं, बलूचिस्तानी। हाँ, कम मसाले का, कम मसाले में लेकिन टेस्ट बहुत हो ना, पठान लोग भी बहुत जी, बहुत कम अच्छा करते हैं, लेकिन इसमें टेस्ट हो। ओके, टेस्ट इसमें टेस्ट बहुत होगा और ये बहुत अच्छा सा मॉइस्ट गला होना चाहिए। अच्छा, इसको सुखाना नहीं है, सिर्फ नहीं, तो इसको एक बॉईल, दो बॉईल देंगे हम। अच्छा, यखनी वाला ही होगा। हाँ, ये नहीं, थोड़ा सा भुनेगा, लेकिन इसको जब खोपरा डालेंगे ना, तो खोपरा जो है इसको थिकनिंग एजेंट का काम देगा। ठीक है, कितनी देर लगेगी इसको? 5-10 मिनट्स बॉईल करेंगे। गपशप कर लेते हैं। हाँ, क्या खवातीन की अट्रैक्शन। हाँ, अच्छा ये बताएं कि ऑफ कोर्स गोश्त गलाने का, तो अगर हमारे पास प्रेशर कुकर ना हो तो हम कितनी क्विकली इसको, इसको फ्लेम को हम लोग फास्ट कर देंगे। सही है, उठा के देगा ना जरा इसको। नहीं नहीं, इसको उठाया अपने, यस मैं चाह रही हूँ, यस फास्ट कर दें बस, इतना सही। अब बताइए मुझे कि मैंने जो सवाल किया कि कम अज कम अगर हमारे पास नहीं है, हम लोग प्रेशर कुकर, मैं बहुत डरती हूँ, रियली मैं सच कर रही हूँ, बहुत डरती हूँ। हाँ, और अकेला रहने से तो और भी होता है कि अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, तो अगर हमें
जल्दी क्विकली काम करना है तो गोश्त को अच्छा, अगर आपने क्विकली काम करना है, चिकन में करना है, मीट में करना है, किसी में भी करना है, आपने जब उसको सोक करना है ना वाटर में, तो आप उसके अंदर सिरका डाल दें थोड़ा सा, उसी वाटर के अंदर जो सोक हुआ है, उससे क्या हो जाएगा उसकी टेंडरनेस बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर आपको एग्दी को लग रहा है कि भाई अभी गल नहीं रहा, तो आप एक चम्मच दही ऐड कर दें किसी भी इंग्रीडियंट में, किसी भी रेसिपी में, डजंट मैटर। ओके, आप लेमन डाल दें तो वो क्या होगा कि एजेंट को ना गलाने का काम करेगा गोश्त, लेकिन बेस्ट है, और सबसे बेस्ट ये है जब चिकन आप पकाते हैं स्पेशली टिक्का या किसी भी चीज के लिए, तो आप उसको वाटर के साथ जब आप डिप करते हैं उसके साथ विनेगर थोड़ा सा सॉल्ट डाल दें, चिकन का अपना जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज होगा, व्हाइटिश में आ जाएगा, वो बहुत जल्दी कुक्ड होगा, विद इन अ मिनट कुक हो जाएगा। अच्छा ऐसा, तब अक्सर लोग बीफ की जो है वो पुलाव बहुत जबरदस्त लगता है, बीफ की बिरयानी भी अच्छी है। हाँ अच्छा, हर किसी की जो है पुलाव जो, हर किसी का, सॉरी तो किसी का मुझे निकल रहा है, हर किसी का पुलाव जो है वो टेक्निक बहुत डिफरेंट है। हाँ आप मुझे बताएं कि ज्यादा मजेदार यमी पुलाव किस स्टाइल में बनता है? इस पंजाबी स्टाइल में सबसे अच्छा पुलाव बनता है जो हम यखनी के साथ बनाते हैं। ओके, और पंजाबी खाने में बड़े माहिर होते हैं, तो वो तो फिर एक स्टैंडर्ड उनका लग गया ना। किसी भी बड़ी पजामन से जामन लग रहे कहीं पंजाब से तो दौड़ के नहीं नहीं अच्छा जी साथ साथ आपने इसे अगर आपने वो ये मैं थोड़ा सा फ्रेश काट बहुत अच्छा लगेगा, और खाने के बाद भी आपको ऐसा फील होगा कि जैसे बड़ा मॉइस्ट सा है, बड़ा अच्छा सा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक और मैं बात पूछना चाहूंगी कि कुछ लोग ऑफ कोर्स गोश्त जो है कलेजी में से एक अजीब सी हींग आती है, वो बहुत जरा सा बंदे को आप अगर कलेजी को थोड़ी देर के लिए उबाल लें और इसके अंदर लहसुन अदरक डाल के उबाल लेना, तो उससे क्या होता है उसकी स्मेल जो हींग है वो खत्म हो जाती है, और अगर उसमें डालते हुए उबालते हुए दो लौंग के आप वो डाल दें ना कॉलिव, तो उसका तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा सर, तो पर्सनली पूछ रही हूँ, माइंड नहीं कीजिएगा, अच्छा कुछ लोग नहीं पसंद करते, मुझे बहुत पसंद है ओजरी, देखा ना मुझे पता था इसके एक्सप्रेशन, लेकिन मेरी मॉम बहुत अच्छी बनाती है, हमेशा जब भी उनको उबालते देखा तो मैं कहती हूँ खाती भी तुम सबसे ज्यादा हो। अच्छा वो पकने के बाद नहीं आती, मेरी वालदा जो है ना वो भून के बनाती थी, राइट, पहले उसे अच्छी तरह उसको साफ करती थी, सोडा लगा के पता नहीं क्या क्या बनती है, उसको क्लियर करती थी, उसके बाद उसको बॉइल होता था, जो बॉइल की बदबू थी ना वो नाकाबले बर्दाश्त होती थी, लेकिन उसके बाद जब वो बोटियां वो दिया उनकी जो भी वो भूनने का था यकीन करें बहुत टेस्टी टेस्टी होता। मैं चाहती हूँ कि किसी दिन देखिए ये अच्छा सा इसके अंदर बॉइल आ गया, खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है, हाँ क्योंकि इसके अंदर विनेगर भी जाएगा ना तो और अच्छी खुशबू आएगी। ओहो, इसके अभी ये थोड़ा सा और बॉइल होगा, हाँ इस सूखे आप छोड़ दें, हाँ इसकी थोड़ी यखनी को तो नहीं सुखाना, तो फिर हल्का सा सुखाना पड़ेगा हमें ना, तो फिर इसका ढक्कन हटा दे ताकि वो फिर स्टीम अंदर ही जा रही है ना, इसलिए बोल रही तो पकने देना, ठीक है पक दे। इसके अंदर थोड़ा सा विनेगर में डालूंगी, थोड़ा ऑलरेडी बॉइल करके डाल हो जाए, ओके, इसकी खटास में तो मजा है। अच्छा नाम जो है उसका यही है ना कि इसकी खटास जो है वो सॉर्टनेस गले को ना लगे, आपको टेस्ट वो लगे, हेल्दी लगे। अच्छा कुछ यूनिक डिश जो आप समझते हो यार ये बननी चाहिए और लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है और वो किचन में हर चीज मौजूद होती है, चाहे कुछ गोश्त हो, राइस हो, या कुछ भी जो जो क्विकली भी, जैसे हमारे बहुत सारी रेसिपी हैं जो गोश्त के अलावा होती हैं, जो सब्जियों के अलावा होती हैं, जैसे बढ़िया हो गई, जैसे खांडविया हो गई, उलट लोगों को कुछ होता है उलट पुलट खांडविया कहते हैं। अच्छा मैं पहले कहती थी इसको उलट पुलट, क्योंकि वो बेसन जो है उसको कर और फिर उसकी कटलियाँ करके और फिर उसमें बनती है, कुछ लोग माश की दाल, माश की दाल की बढ़िया बनती है, मूंग की दाल की बढ़िया बनती है, तो ये चीजें ऐसी है जिनसे हम बहुत दूर है, जैसे मिर्चों का सालन बहुत अच्छा बनता है, तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपके फ्रिज में अवेलेबिलिटी होती है और आप लाते हो डालते हो और खत्म, झट से खाना बन जाता है, जबरदस्त। ठीक है अच्छा जी, जैसे इन्होंने अभी, मैं चाहती हूँ किसी दिन यहाँ पर बड़ियों का अच्छा सालन कह रहे हो ना, बड़ियों कुछ लोग तो उसके दही बड़े भी बल्ले, सॉरी दही नहीं, वो अलग चीज है, वो अलग है। हाँ बड़िया जो होती है बेसिकली आपको मार्केट से मिलती है ड्राई फॉर्म में, ओके, और उसको आप क्या कहते हैं मसाले में, जैसे आप फिश का मसाला बनाते हैं, किसी का भी जो टेस्ट आपका अपना हो, जैसे आप अचार का मसाले बना रहे हैं या कोरमे का बना ले या किसी तरह का भी मसाला, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका टेस्ट बढ़ क्या है, कि कुछ लोग खट्टे खाने खाते हैं, कुछ बहुत स्लाइडली मीठा खाते हैं, इस तरह की चीजें है ना, तो वो उसमें बस बढ़िया होती है और उसके बाद उसके अंदर डलती है, दैट्स इट फिनिश्ड, उसके अंदर कोई आपको कुक करने की जरूरत नहीं है, बस आपको मसाला भी अगर आपका तैयार हो तो बस बना के खत्म। अच्छा थोड़ा इसको इसका लुक दिखा देना, लुक देखे
वैसे आप हमारी वो बड़ी कढ़ाई में यूज करते हैं ना, तो क्लियर नजर आता है, क्या बात है, लेकिन अच्छा है दैट्स गुड। हाँ। थोड़ा शोरबा है तो उन्होंने यूज कर लिया, थोड़ा कर लिया। अब हमने इसमें कोकोनट पाउडर डालना है। हाँ, अब इस फॉर्म में आके ना हमने इसमें कोकोनट पाउडर डालना है। ठीक है जी, ये देखिए मैं सारा कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ पहली बार। वैसे ये बहुत हेल्दी है देखा जाए, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है ना, कोई ऐसी फजूल चीज नहीं है, कोई रेडिश नहीं है, कोई आपके जो सब फजूल है, जो कोई मेरे परफेक्ट नंबर वाली नहीं है, मतलब चीजें मजे की होती हैं, लेकिन कभी कभी व्हाइट चीज अच्छी। इनका क्या करोगी, इनका करोगी, क्या होगा कल लास्ट में तुम्हारा क्या होगा कल। ये बड़े मजे की है और तीखी वलीर की है ये। यस, ये बताऊं मैं आपको, अभी आप देखिए इसमें ना थोड़ा सा, अभी और थोड़ा सा होगा ना तो ये और बहुत अच्छा सा लुक अच्छा बन जाएगा, लुक बन जाएगा। अच्छा ही काम है। हाँ, और एक बिल्कुल कम है, नहीं वो मतलब ये फायदेमंद है जो हार्ट पेशेंट है वो बकरे का गोश्त का बना सकते हैं। ऐसे लगे कभी कि इसको अगर हम जरा डार्किश में किसी का चला जाता है, जैसे ब्लैक पेपर ज्यादा चली गई है, तो हम उसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं ताकि उसका रियल कलर सामने आ जाए। इसमें क्या दही वगैरह कुछ भी नहीं डालने की जरूरत, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, ये अपने ही मजे में पका हुआ है। ठीक है, ठीक है। इसकी खुशबू मुझे मजबूर कर रही है, सभी चख लो, चख लें थोड़ा सा जायका, इसी काम में चख लें। मेरी अम्मी का तरीका है भाई, सीधी सी बात है, चम्मच से किसी को भी। हाँ बिल्कुल, और नहीं तो क्या। नमक, आपकी मम्मा मुझे सब देख रही है बिहाइंड, ये देसी तरीका। क्यों जी आंटी जी, अरे वाह नमक सिरके का टेस्ट आ रहा है, आ रहा है। ये भाई सीधी बात है जो है, किसी को पेपर सही नखरे की जरूरत नहीं है, नखरे की जरूरत नहीं, हम घर में खड़े हैं। और ये गुड मॉर्निंग मिस सभी का किचन ऑन वेनेसडे जी टीवी चैनल, और हम चाहते हैं आप सीखें हमसे, हम मुझसे नहीं शेफ से। और आप इसकी खुशबू देखें कितनी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, बहुत जबरदस्त, और नमक और सब चीजें बैलेंस। मैं सबसे इम्पोर्टेंट कहूँगी कि जो हम लोग अल्सर का शिकार हो रहे हैं, जो हम लोग बहुत ज्यादा इंटरनल मैदे में स्टमक पे जो इतना बर्डन डाल रहे हैं, जी जी, तो वो इस वजह से कि हम लोग इतना स्पाइस हर चीज में यूज कर रहे हैं, ज्यादा बेहतर है। केचप में कुटी हुई मिर्चें, उसमें कुटी हुई मिर्चें, हर चीज में कुटी हुई मिर्चें, उससे क्या हो जाता है आपकी लाइफ ना फ्रिकल हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा हरी मिर्चों का इतना नुकसान नहीं, हरी मिर्चें तो फ्रेश डल रही है, पहली बात तो ये है, प्रोसेस नहीं है, कोई चीज नहीं है, अल्लाह ने कुदरती तौर पे दी है चीजें, फिर क्या करना है जैसे कोकोनट डाला ना, इसने अपना पिकनिक एजेंट बना लिया खुद ही। मैंने इसको सुखाया नहीं आपके सामने पानी को, विद इन अ मिनट बनाया ना, और इतना स्लाइटली सा वो बन गई है, देखे गुड गुड गुड। जितना मजे का भुनेगा ना और जितना अच्छा आप इसको चाहेंगे वो उतना अच्छा हो जाएगा, ये देखिए। यस, अच्छा कुछ लोग बहुत बहुत क्रीमी फ्लेवर इस्तेमाल करना चाहते हैं, दिल चाहता है, मैं तो नहीं समझती, थोड़ी सी मिल्कपैक क्रीम ऐड कर ले, अदरवाइज ना करें। ओके, क्योंकि मुझे ये होता है कि नहीं यार ओरिजिनल चीजों की बात ही अलग है। ये देखिए कितना थिक हो गया ये आपके सामने। ओके, और इसकी थिकनिंग जो है ना इसी का ये खूबसूरती है। बस अब इसको मैं दम किया। अच्छा कोई मुझे टाइम मेंशन कर सकता है, इफ यू डोंट माइंड? आई हैव नो, नहीं नहीं आप पूछ नहीं, मेरी आवाज जा रही है आगे तक। अच्छा ठीक है, तो हम इसको इसको आप देखेंगे, इसको डिश आउट कर लेंगे, अभी डिश आउट कर लेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा इसको हम अब लो फ्लेम। ओके ठीक, ठीक ओके। अच्छा देन हम लोगों के पास एक, मैं चाहूंगी इसको डिश आउट करते हैं और उसको थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं और आपके साथ थोड़ी सी ना चिटचैट भी कर लेते हैं। ठीक है, ओके। हम लोग पहले इसको डिश आउट बस थोड़ा सा कर लेते हैं, हम नाजीन को दिखा दें इसको, बेशक हम मेंशन कर देते हैं, इसको लाइट बंद कर दीजिए। अच्छा ठीक है, हम थोड़ा सा नाजीन को दिखा दें ताकि ये सेगमेंट किचन का क्लियर हो जाए। ठीक है, आपका ये पूरा सेगमेंट क्लियर हो जाए, फिर हम आपके साथ बैठ के थोड़ी सी बात करें। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, गुड है जी। अच्छा लगा सदफ आज आप आए, और मैं चाहूंगी कि आप बहुत सारी डिशेस हमसे शेयर करें, क्योंकि आपकी बहुत, आपने बताया मुझे, ये तो आपका वो है कि आपने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। इसके साथ ये आपकी, हाँ जी, ये इसके साथ ये मुझे ऊपर डालना है सारा, लाइक मुझे तो वो देने, ये स्पून, हाँ इसके लिए साइड से छोड़ करना, ये क्यों छोड़ दिया, ये मैंने सारा इसमें ये डालना। ओके ये अब डाल दे, फिर पूरे डाल दे। नहीं नहीं, वही तो कह रही इसको जरा, ओके ओके, फैला दो तो जरा अच्छा लगे, इसको फैला, ओके ओके ओके, इसको फैला दो अच्छा लगे, ओके ओके ओके, गुड हो गया, बस जानी बॉस। ओके यार ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है ग्रेवी है, यकीन करो। हाँ ग्रेवी देखो देसी, हाँ क्योंकि देसी है ना हर चीज, आपके सामने मैंने कुछ भी नहीं डाला मेरे पास, कुछ फजूल नहीं, नीचे मत झुकना खुदा के लिए, आज मैं डेकोरेशन कर रही हूँ। अच्छा आज मैं अपनी बहन से नहीं, मैं खुद कर रही हूँ,
और ये बड़ी प्यारी सी डिश लग रही है, रियली 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 इसकी खुशबू इतनी अमेजिंग आती है। माय गॉड, रियली ये देखें, हैव अ डन, थैंक यू सो मच, रियली आई अप्रिशिएट यू, थैंक यू, क्विकली और यमी, थैंक यू सो मच। आज आप लोगों ने यहाँ पर ब्रेक लेनी है, सदफ हमारे साथ ही हैं, तो यहाँ पर लेते ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।